बेगूसराय पुलिस की चौकसी ने अपराध की एक बड़ी वारदात को टाल दिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 अपराधियों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस, एक अम्बेसडर कार और एक मोबाइल जब्त किया। गिरफ्तार अपराधियों में बम बम राय, घनश्याम पासवान, उजालो गोस्वामी, रोशन सिंह और मोहन कुमार शामिल है। पुलिस ने बताया कि ये सभी अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। कल दिनांक 28/5/19 को जो वीरपुर मार्केट में व्यवसायी के अपहरण की बात सामने आई थी, तो मेरे द्वारा सभी थानाध्यक्षों को बॉर्डर सीलिंग करने अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग्स लगाने का निर्देश दिया गया था। और इसी एक चेकिंग पॉइंट पे तेगड़ा थानाध्यक्ष द्वारा एक एम्बेसडर कार से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक कट्टा, 12 जिंदा गोली और एक मोबाइल बरामद हुआ है। इन पांचों के आपराधिक इतिहास अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ हम लोगों का, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी घटना जो कारित की जा सकती थी इन लोगों के द्वारा, उसको रोकने में सफलता मिली है। जो गिरफ्तारी हुई है वो वीरपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र है, लेकिन तेगड़ा थाना अध्यक्ष वो चेकिंग लगाए हुए थे और उनके द्वारा ये गिरफ्तारी। आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब पुलिस वीरपुर इलाके में एक हत्याकांड की जांच कर रही थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।